बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाने लगे हैं पेरी बैट। चले मैं इसको तरकीब बताने लगी हूँ आपको। ये देखिए, मैंने हरी मिर्च ले ली हैंगी और इसमें ही मैंने हरी मिर्च डाली हुई हैंगी। ठीक है, दो जगह मैंने हरी मिर्च ले ली हैंगी और ये देखिए सिरका है, तकरीबन 3 स्पून के करीब मैं सिरका इसमें डाल दूँगी और इसमें भी 3 स्पून के करीब ही मैं सिरका डालूँगी। अब सिरके के ऊपर जो मैंने मिर्चों के ऊपर जो सिरका डाला, थोड़ा बहुत पानी डाल दूंगी। और मैक्सिमम 2 घंटे तक छोड़ देंगे, 2 से 1 घंटे तक इसको छोड़ देंगे हम। अब ये सिरका ले लें लगे हुए, चिकन ले लिए, चिकन की बारीक बारीक लंबी लंबी सी मैंने बोटियाँ जो है बना ली हैंगी। सोया सॉस लेने लगी हूँ मैं 1 स्पून के करीब। 1 स्पून के करीब मैंने सिरका लिया है, 1 स्पून के करीब ही मैंने सोया सॉस लिया है। रेड चिल्ली ले ली मैंने, ये देखिए रेड चिल्ली ले ली मैंने, सोया सॉस लिया मैंने, सिरका लिया और रेड चिल्ली ले ली। इसको आधे घंटे के लिए ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा इसके अंदर जायका आएगा। ये देखिए, मैं आधे घंटे बाद इसके अंदर और मसाले डालने लगी होंगी। ये नमक डाला मैंने, आधी स्पून से भी कम मैंने हल्दी डाली इसमें, क्योंकि तकरीबन मेरा चिकन होगा 1.5 पाव के करीब। आधी स्पून मैंने मिर्च डाली है, ये आधा स्पून ही मैंने सिर्फ गरम मसाला डाला है। अच्छे से इसको मिला लेना है। बहुत मज़ेदार जो है ये पेरी बैट बनती हैगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा। न्यू किस्म की हैगी और वाकई में बहुत मज़ेदार होती हैगी। अभी मैंने चीज़ ले ली है, मोज़ेरेला चीज़ ले ली मैंने इसमें, जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं बना लूँगी। क्रश कर लिएगा जिस तरीके से मैंने करी है। ये 1 स्पून ही बस ऑयल है, स्पून थोड़ा बड़ा था लेकिन ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं डालना है। अब इस ऑयल के अंदर जो है जो मैंने मसाला लगाया था वो चिकन फ्राई कर लेंगे। चिकन खुद इतना पानी छोड़ेगी और खुद ही से गल जाएगी, कोई मसला नहीं हैगा इसमें पानी डाल के गलाना चलाने का, ये खुद ही इसे गल जाएगी। ये देखें बस, ये भुन के तैयार हो चुकी हैगी। लंबे लंबे मेरे पीस इसके बना लिएंगे। अच्छा, ये मैंने मैदा ले लिया है, बड़े स्पून के करीब मैंने, 2 स्पून के करीब मैंने मैदा लिया है, क्योंकि मिर्चों का साइज़ ना कुछ मेरी बहन ज़्यादा ही बड़े लेके आ गई थी, तो उस हिसाब से ये कोटिंग करनी पड़ेगी। तो ये बड़े स्पून मैंने 2 मैदे के ले लिए हैंगे, मैदा ज़रूरी है। अच्छा, इसके बीजे निकालने लगी, वैसे मैंने निकालने नहीं थे लेकिन मेरी बेटी ने बोला निकालो तो मैंने निकाल दिए।
अब आपके हिसाब से आप जितनी चीज़ भरे और जितनी चिकन भरे, वैसे इतनी चिकन बहुत हैगी और चीज़ भी इतनी बहुत है। मेरी मिर्चियों का जो साइज है ना काफ़ी बड़ा हैगा, ये देखिए यूँ अंडा मैंने लगाया, और मुझे लगने लगा ये यूँ नहीं लगेगा, तो फिर मैंने सोचा प्याली में ऐड कर लेते हैं मतलब चीज़ें। ये देखिए ये मैंने प्लेट में निकाल लिया, प्लेट में मुझे भी आसानी हो रही है, आप भी इस तरीके से करिएगा। ये फिर मैदे में ले लिया मैंने अंडे के बाद, ये ब्रेड क्रम्स मैंने बनाए घर के अंदर ही, मैं आपको फिर इसकी तरकीब बताऊंगी। ये दोबारा करने लगे, एक बार कर लिया है अब दोबारा करने लगे, क्योंकि एक दफ़ा में जो है ना कोड सही से नहीं चढ़ेगा, दो दफ़ा में ही सही से चढ़ेगा, क्योंकि मिर्ची जो है स्लिप करती है कि कोड जो भी लगाओ चिकनी होती है, तो आपको भी पता होगी। ये देखिए दूसरी मिर्चों का भी मैं आपको बताने लगी होंगी, इसके बीज निकाल देने आएंगे। अभी चिकन मैंने भर दी इसके अंदर, बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी बनते हैंगे। आप अगर मिर्चों का साइज़ छोटा ले लें तो और अच्छा होगा, मेरी मिर्चों का साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा आ गया था, क्योंकि मेरी बहन ने कुछ अच्छी खासी बड़ी मिर्चें ला दी थी। ये देखिए भर दिया, और अभी मैं अंडा डालूंगी इसके ऊपर, और अंडे के बाद जो है मैदा, मैदे के बाद जो है ब्रेड लगाएंगे, ठीक है। ये तमाम लगा के रख लें तो अच्छी बात है, फिर आराम से जो है फ्राई कर लेना। 10-12 जो है ये मिर्ची मेरी बन के तैयार हो जाएंगी। 1.5 पाव के करीब मैंने चिकन लिया है, चीज़ अपने हिसाब से ले लें जितनी आपको नीड हो। बहुत मज़ेदार बहुत ही मज़ेदार जो ये मिर्च बन के तैयार हुई थी, पेरी पाइट कहते हैं इसको, नाम बड़ा वैसे मुश्किल है लेना। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें अब मैंने ऑयल जो है गरम करने के लिए रखा हुआ है, ये देखें इतनी मज़ेदार इतनी प्यारी बन के तैयार हुई थी कि पूछे मत, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आई थी और मेरी भांजी को भी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बन के तैयार हुई, आप लोग ज़रूर ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। ये देखें अच्छा फ्राई बहुत जल्दी हो जाती है, तो सारे मसाले बना के रख लेना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बन के तैयार हो चुकी हैगी। ये मेरी भांजी को खानी थी पिछले इतवार, उसने मुझे बोला था कि ये बनाओ, सो मैंने अब बनाएगी। ये देखें माशाल्लाह से कोटिंग करके रख लें सारी मिर्ची, फिर एक साथ फ्राई कर लें, इशारे में जो ये फ्राई हो जाती है देर नहीं लगती हैगी, क्योंकि ज़्यादा जलानी नहीं हैगी, जैसे जल जाती है तो मज़े की नहीं लगेगी, इसलिए बोली कोटिंग करके रखें। ऑयल गर्म हो बस हाथ के हाथ डालें और निकालें, डालें और निकालें, यही हो सकता है का। बहुत जल्दी ऑयल में डाल करने के बाद जो है ये वो हो जाती है। और ये देखें मैं आपको अब काट के भी दिखाने लगी हूँ, और
मैंने तीन इसलिए बनाई कि हमारी अचानक से गैस जा चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से चीज़ भी इसमें देखें डली हुई है। देखिए मैं इसका सॉस बनाने लगी हूँ, मायोनीज और रेड चिली डाली है, बस इससे सॉस बन के तैयार होगा।